आवे तो बरकत कितों आनगी। मैं सदा रडी रहना हाँ, तैयार रहा हाँ कि खुदा दे कमां नूं पूरा करन लई, सदा तैयार रहना हाँ कि इबादत करन लई, सदा तैयार रहा हाँ शैतान नाल फाइट करन दे लई। ए ना सोचो मैं अनपढ़ मैं प्रभु का काम किवें कर सकता हाँ, मैं प्रभु दे राह ते किवें चल सकता हाँ। पादरी बनन नूं नहीं कह रहा, जिन्हां नूं खुदा चुन लवे तो मुबारक है, पर घट्टो घट इन्नी गल कह रहा हाँ, हर विश्वासी नूं परमेश्वर दे विच विश्वास दे नाल चलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैं अंत विच इक्को गल सीखी है, मैं सारे नूं सिखा नहीं सकता, मैं सारे नूं वधा नहीं सकता। यीशु मसीह ने जदों 70 चेले तोरे तो उन्होंने कहा जेड़ा कबूल करेगा उत्थे ठहरना, उत्थों दे बीमारां नूं चंगा करना, उन्हां दे खाने पानी नूं बरकत देना और उन्हां नूं तौबा दा प्रचार देना कि वह बपतिस्मा लैण। पर जेड़ा कबूल ना करे जुत्ती झाड़ के अगे निकल जाना। बहुत पिंड बाकी ने, बहुत शहर बाकी ने, जेड़ा नहीं समझदा छड़ दो। पर मैं पहला की गलती करता हाँ, मैं पहला गलती करता, प्रभु मेरे ना प्यार बहुत करता, इनू बचाना है, इनू बचाना है। तो मैं बहुत टाइम खराब किया अजिहे लोगों के मगर जा जा के, बहुत टाइम खराब किया अजिहे लोगों समझा समझा के, वो इक्को गल दोबारा उत्थे ही आते हैं। पर धन्यवाद जेड़े मुबारक ने, जेड़े वधना चाहते उन्होंने इशारा काफ़ी होता है, वह परमेश्वर की वडियाई करते हैं और खुदा के राह में चलते हैं। हालेलुया, जोर ना बोलो, जोर ना बोलो। फ्राइडे मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ हुई, मेरे साले साहब की, और कला कला इत्थे ही पास्टर यूनस मसीह उन्हां दे छोटे ब्रदर, छोटी उम्र ची डेथ हुई है, छोटी जी उम्र च। सानू सारे नू बड़ा दुख लगा क्योंकि वो सारे दे लाडले सन, उन्हां दी उम्र 50 तो 55 साल दे विच सी। वो बहुत वधिया इंसान सी, सुभाव बहुत वधिया, गीत गाते ही आनंद आ जांदा ही, साज वजाउंदे ही आनंद आउंदा ही। उन्हां दे खून च ही साज वजाउणे, गीत गाउणा उन्हां दे खून च ही सी। एक चीज़ का घाटा है, शराब नहीं सी छड़दे। 10 साल पहला ही डॉक्टर ने कहा है कि जे शराब नहीं छड़ी तो खत्म हो जाएगा। जिनी बार जाना अही समझा के आना, थक जाना हर वारी। पास्टर यूनस जी ने आना, भाई डेविड ने आना, सारे ने आके समझाना, गाइड करना कि भाई तू बहुत वधिया इंसान है, तू एदा मोहताज है, इनू छड़, तेरे लिए अही दुआ कर दें। कहिंदे शराबी नूं ते बहाना चाहिए कि मैं पीनी है, वह खुद नहीं सी छड़ना चाहता, खुद नहीं सी छड़ना चाहता। आखिरकार इन्ना खूबसूरत इन्ना नूर उहदे ते तां इस तरह दा बन के उहदी मौत होई, पछाणिया नहीं सी जांदा। मेरे अजीजो मैं तुहानूं वंगार दा, जीवन बड़ा छोटा जिहा है, पता नहीं किदन हवा निकल जानी है और असी खत्म हो जाना है। जीवन ते मौत खुदा दे हाथ विच है, राह जांदे की हो जाना है। पर एक गल तुहानूं कहना चाहांगा, इदां दा जीवन दे विच अपने चलो कि पवित्र आत्मा भी तुहाडा आदर करे, स्वर्गी दूत खड़े होके तुहाडा स्वागत करन, परमेश्वर सिंघासन तों खड़ा होके कहे जी आया नो वेलकम, ती स्वर्ग दे अधिकारी हो, ती जगत विच परदेसी ही, हुण मेरे राज विच शामिल हो, आओ मेरे नाल राज करो। हालेलुया, हालेलुया। कमाई सारी उम्र कर लो फिर भी बंदा कंगाल रहिंदा है, पर जे परमेश्वर नूं अगे रख के कमाई करोगे तुहाडे 5 रोटियां 2 मच्छियां च बरकत देने वाला मेरा खुदा है, बरकत देने वाला मेरा खुदा है। तुहाडे काम च बरकत आएगी, तुहाडे थोड़े जे पैसे दे उत्ते बरकत आएगी। कोई बीमारी दा कीड़ा प्रभु कढेगा, कचहरियां दा कीड़ा कढेगा,
ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਔਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਲਦਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹੋਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਵਾਹ ਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਗਵਾਹ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਤਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ, ਡਟੇਰੇ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਸਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ 71ਵਾਂ ਚਰਚ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏ, ਖਾਪੜ ਖੜੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਚਰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਲੈਸ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਾ ਕੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵਨ ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਗਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੈਮਸੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੈਮਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਵਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਖੂਨ ਲਵਾਂਗੇ? ਬੋਲੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਵੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੱਟ ਹਾਂ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਹਾਂ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ ਬਈ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੋਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਹਲਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਏ। ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਗਵਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਦਾਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵਣੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਗਵਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗਵਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੜਦਾ ਹੈ।
वह भी चीका मारता है, वह भी तुहाड़ी जिंदगी तो दूर हो जाता है। परमेश्वर दे नेड़े आओ, पवित्र आत्मा तुहानू कल्ला नहीं छड़दा, पवित्र आत्मा तुहानू कल्ला नहीं छड़दा, पवित्र आत्मा तुहानू कल्ला नहीं छड़दा, पाक रूह तुहानू कल्ला नहीं छड़दा। खुदा दे आत्मा दा आसरा लो मेरे बच्चों, खुदा दे आत्मा दा आसरा लो मेरे बच्चों। दुआ करिए, मुँह खोलो, उच्ची आवाज ना दुआ करो, उच्ची आवाज नाल प्रार्थना करो। उच्ची आवाज ना प्रभु अगे बेनती करो। प्रभु तुहानू मौका दे रहा है वधन दा, प्रभु तुहानू मौका दे रहा है दूजे लई प्रार्थना करन दा, प्रभु तुहानू मौका दे रहा है अपने पिंडां नगरां विच प्रचार करन दा, प्रभु तुहानू मौका दे रहा है अपने परिवार नू बचाउण दा। तां कहो पवित्र आत्मा मेरे नाल है, मैं अकेला नहीं हाँ, मैं शैतान तो डरांगा नहीं, मैं जादू टूने तो डरांगा नहीं, मैं किसी भी प्रकार की वैरी की शक्ति तो डरांगा नहीं, मैं परमेश्वर नूं जानदा। पवित्र आत्मा दा आसरा लेंदे हुए प्रभु अगे बेनती करो, क्योंकि तुहाडा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। आओ तौबा करिए, आओ प्रभु वल मुड़िए, परमेश्वर दा आसरा लईए मेरे बच्चों। अपनी अखां नूं बंद करो, प्रभु नूं याद करो मेरे बच्चों, प्रभु नूं याद करो मेरे बच्चों। शैतान दा बुरा हाल करदे होए अपने जीवन, शैतान दा बुरा हाल करदे होए अपने जीवन विच कहो मैं प्रभु सूरवीर हाँ, कहो कि पवित्र आत्मा मैनू अधिकार दे रहा, मैं प्रार्थना करन वाला बनांगा, मैं मसीह हाँ, योजयसु ने लहू द्वारा खरीदया गया, अपनी सेवा नूं पूरा करांगा, मैं अपने आनंद नूं गवावांगा नहीं, मैं अपनी शांति नूं गवावांगा नहीं, मैं सदा पवित्र आत्मा दा आसरा लवांगा। प्रभुआं दा प्रभु, राजां दा राजा अज फरमान करदा है, उस्तत हो, उस्तत हो, उस्तत हो, यीशु मसीह दे नाम ते उस्तत हो, वड्याई हो, पवित्र आत्मा दे विच वड्याई हो, स्वागत हो, खुदावन यीशु मसीह दी वड्याई हो। परमेश्वर तुहानू बरकता दे, बरकता देवे, परमेश्वर तुहाडा भला करे, परमेश्वर आज तो बाद तुहानू सफल करे, तुहाडे कम्मां कारां नू सफल करे, तुहाडियां सेहतां नू बुलंद करे, यीशु मसीह नाम से तुहाडे बाल बच्चे नू पवित्र करे, तुहाडे द्वारा तुहाडे पिंडां दे विच बेदारी आवे, नगरां विच बेदारी आवे, पवित्र आत्मा दे द्वारा बरकत ने हाले लोहिया ओ रबा सदा नींद अखा तक लाली रीत नहीं आखो रबा शुद्ध भाई अखा तब सदा इंदा रला छदाई ई आखो आरे ला सदा सदा पर रील बो शुद्ध भाई अखा तई ई आखो आले शो निरला सदा रला पकती मल बो शुद्ध भाई अखा तर रख लोती। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, चिंतन नहीं दौड़ो, हार साढ़े जीवन का हिस्सा नहीं है। उन्हें क्या मैं तन चुन लिया थी, आशीषा का वारिस बनो, आशीषा का वारिस बनो। प्रार्थना करो, ची आवाज ना अपने आलस नु छड़ो, सुस्ती लचारी नु छड़ो, चिल्लाओ प्रभु की हजूरी विच और वड्याई करो। हालेलुया, पवित्र 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 सेना दे होवा, तेनू पुकार दे हाँ अज, असी अज नवे बल दे नाल कलीसिया नूं भर। जिन्हां नूं दुष्ट आत्मा की समस्या अपने सिर ते हाथ रख लईए, जिन्हां नूं दुष्ट आत्मा की समस्या है,
और विश्वास करो आज शैतान तुहाड़ी जिंदगी नूं छड़ के जा रहा वो भी हमेशा लई। यीशु मसीह नाम से दुष्ट आत्मा निकलो बाहर निकलो तुहानूं आग लगाने बाहर निकलो बाहर निकल यीशु मसीह दे नाम से आग लगाते हैं शैतान नूं आग लग जाए खादे खिलाए पिलाए की सारी गंदी ताकत बाहर निकले यीशु मसीह दे नाम से आग लगाते हैं हर प्रकार का चाड़ फूक नष्ट हो जाए यीशु मसीह नाम से तागे तविता की गंदी ताकत खत्म हो जाए मरिया की गंदी ताकत खत्म हो जाए यीशु मसीह दे लहू का छिड़का करता तुम छुड़ाए गए हो तुम सुते हो गए प्रभु दे दूत तुम्हारी मदद करे ओ तुम मिलने ओ तुम दर्शन देंगे ओ तुम्हारी अगवाई करे ओ तुम सैर सपाटे से खड़े रहेंगे ओ तुम्हारी मदद जरूर करे हम तो जयकारे लगाओ लगातार लगातार बंद रखिए कई दर्शन चल रहे हैं तुहाडे ते प्रकाश करदा हाँ बंद अखा यीशु मसीह नाम विच आत्मा दे कमण वेखण परमेश्वर तुहाडे नाल गलबात कर रहा है दर्शन दिखा रहा है इन्हां दर्शनां नूं ध्यान नाल वेखो प्रभु कईयां दे मन नूं कह रहा है दुआ कर रो रो के उच्ची आवाज नाल रुके ना रो दुआ करो दर्शन देखो प्रभु यीशु दे नाम जिन्हां दे उत्ते दर्शन हो रहे हैं पूरा ध्यान लगाओ के प्रभु मेरे नाल गल कर इन्हां दर्शनां नूं देखो तुहाडे जिहड़े अंजू अज निकल रहे हैं वह अज तुहानूं नवां मसा देणगे तुहानूं पवित्र करणगे तुहानू यीशु मसीह दे बेटे और बेटियां बनाए गए आज तुहानू एक इनाम देना कि तुम सदा खुदा दे नेड़े रहने वाले हो तुहाडियां प्रार्थनावां परमेश्वर सदा सुनेगा तुहानू बरकत देना हाँ कलीसिया दीआं दुआवां उत्ते खुदा कण लगांदा है और जिन्हें तुहाडे विचों अज नशा छड़ के जाना चाहते हैं खुदा कोल मदद लो पवित्र आत्मा का अजिहा अनुग्रह तुहानू मिलेगा उहदे तो वड्डा नशा कोई नहीं होएगा वह कहिंदा चखो तो वेखो परमेश्वर का आत्मा तुहाडे ते आया है वह भला परमेश्वर है अज नशे नू छड़ दो जिन्हां नू सेवकाई लई खुदा ने बुलाया है और कहो कि प्रभु कुछ भी हो जाए मैं तेरे कमां नूं पूरा करांगा शर्मिंदा हो जावांगा जलील हो जावांगा पर प्रभु तेरी सेवा नूं पूरा करांगा वेखो परमेश्वर विच नवा बल पाओगे तुसी पिछे ना हटो पाखरू पाखरू मेरी प्रार्थना जिन्हां दे लत्तां नहीं चल रही उठ खड़े होण और अपनियां लत्तां नूं यीशु दे नाम च हलाण ओ चंगे हो चुके ने अपनियां बाहां नूं हलाओ चंगे हो चुके हो यीशु मसीह दे नाम च अपनी अखां दा रंग वेखो प्रभु ने गायब कर दिता है पवित्र डंगरां तो शराब खत्म हो चुकिया है
यीशु मसीह के नाम जब तुहाडे ते बरकत करदा तुहाडे घर च जगह घट पाया जाएगी पर माल डंगर का वादा होएगा कारोबार का वादा होएगा आशीष दे अपने जीवन में बैठ जाओ कुवैर उपर आ जाए बैठ जाइए ध्यान करो हुण जैम सी की एक बार फिर बोलता जैम सी की जिन्हां नाल शर्म आउंदी ना जैम सी करन दी हुण तो बाद क्या करनी जैम सी की हर जाति के व्यक्ति नु कहना जय मसीह की हालेलुया हुण अहीं पिछे आने वाले नहीं हुण प्रभु च अगे वधांगे और स्वर्ग जावांगे उस तो हो हालेलुया प्रभु तुहानू बड़ी बरकत दे अपना अपना दान कट लईए उपर उठाइए अपना अपना दान एक छोटी प्रार्थना करांगे अपनी अखण बंद करिए दुआ करिए प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर आसमानी बाप तेरी तारीफ कर दे मेरे प्रभु यीशु मसीह समय लिए मेरे खुदा पिता परमेश्वर खुदा तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर आज की आवाज में परमेश्वर तुझे सफर किया परमेश्वर मैं दुआ कर दी पिता परमेश्वर जिन्होंने अपने नेक माइंड प्रभु यीशु मसीह दान कढ़िया प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं नेक माइंड पिता परमेश्वर आशीष बरकत पाना प्रभु यीशु मसीह तेरी ब्लैसिंग नूं चाहुंदे पिता परमेश्वर जी इन्हां नूं किसी चीज़ की कोई कड़ी कमी ना होने पाए प्रभु जी अब सब तो ब्लैस करना आशीष करना प्रभु यीशु मसीह तेरा फजल चाहनी हाँ दुआ मांग लें यीशु मसीह नाम च मेरे जीजो ईस्टर का त्यौहार आ चुका है और 28 मार्च नूं पॉम संडे जाने कि हुण जिहड़ा ऐतवार आना है बहुत वड्डा दिन है जो यीशु मसीह यरूशलम च दाखिल होए यरूशलम के लोगों ने उन्हों का स्वागत किया कि राजे का राजा आया है तो मेरे जीजो 28 मार्च को पॉम संडे मनाना है 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाना है 4 अप्रैल को ईस्टर का त्यौहार यीशु के मुर्दे से जी उठने का त्यौहार धूमधाम नाल मनाना है अपना हिस्सा जरूर बीजियो प्रोग्राम भुगतान वास्ते बहुत शुक्रगुजार।